Hey guys, welcome to the Hapiness cocktail. Yeah. So guys, today we'll be going to share our Thailand experience with you all. First of all, I want to share something that when we are planning our trip to Thailand, I used to search on YouTube like what all the visa process and so many stuff, but I didn't find any such videos to be that informative. Some or the other information was missing. So actually, I thought, क्या होता है ना, visa arrival जो process होता है, it is very easy. But at the same time, अगर आप properly prepared नहीं हैं, अगर आपका एक document miss हो रहा है, so believe me guys, आपकी nightmare लग जाएगी. And so मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक खुद का ही वीडियो बनाऊं, क्योंकि this will be the updated one 2019. So that's what today's video is all about. And if you are new to my channel, then please consider subscribing. We are in Thailand. We are in Krabi right now, and we visited to Phuket before this, and so many vlogs are coming to your way. Please stay tuned and subscribe if you haven't done already. So without any further ado, let's get started to the vlog. Yeah. So what I'm thinking is we'll divide it into 2-3 parts. So first part will be the what you require for your visa, and second will be our visa process and what was the all thing about. Please stay tuned for that. It's really important. So like first thing, what are the formalities is required? क्या होता है कि for the visa process, right? So आप सभी लोग जानते होंगे कि थाईलैंड में there are multiple way you can get the visa. E visa is also there. E visa में आप पहले apply करते हैं. Yes. But the easier one is visa on arrival. So normally Thailand क्या करता है कि they charge 2,000 baht, which come around 4,500 to 5,000 per person INR में, या 2,000 rupees Thailand baht में they charge. But क्या हुआ है कि last November से 30 अप्रैल तक इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल की जो एंट्री फीस थी 2,000 baht, वो उन्होंने फ्री कर दी. दे आर नाउ नॉट टेकिंग एनी मनी. मे बी आफ्टर यू नो आफ्टर मेकिंग दिस वीडियो और आफ्टर 30 के बाद वो उसको एक्सटेंड करते हैं नहीं करते हैं, वी डोंट नो. बट टिल 30th अप्रैल वॉट एवर वी फेस इट वॉज फ्री. ओके, सो दैट इज अबाउट द फीस. वॉट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स यू नीड? सो यू जस्ट नीड 140x60 mm visa white background photo. I will show you guys like this one. तो आपके पास आपका पासपोर्ट जिसमें मिनिमम 6 month की वैलिडिटी होनी चाहिए. 6 month क्योंकि जब हम लोग ट्रेवल कर रहे थे उसी टाइम पे हमने देखा कि मतलब एक बंदा था, मतलब उसकी पूरी फैमिली थी और एक्चुअली देयर वर टू कपल्स विद देयर टू किड्स, मतलब 4 kids इन टोटल. एंड मतलब दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट. लाइक हम लोग क्यू में हाफ एन आवर खड़े थे और किड्स वर क्राइंग. सो मतलब बहुत गंदा लगा. हम लोग किसी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि उनका पासपोर्ट 6 month के लिए वैलिड नहीं है. मतलब उनका पासपोर्ट वॉज ऑलमोस्ट वैलिड फॉर द 5.5 months. लाइक सो इफ योर पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर टिल 6 months फ्रॉम योर ट्रेवल डेट, सो प्लीज़ अपडेट दैट, देन ओनली यू कैन ट्रेवल. और दूसरा चीज़ ये है कि आपके पास आपके होटल्स की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए कि मतलब होटल्स का नंबर क्या है, होटल में कौन आपको पिकअप करेगा, बिकॉज दिस डिटेल्स विल बी टेकन बाय थाई एम्बेसी. एंड टिकट्स ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया एज वेल. सो जैसे ही आप अपना चेक इन कंप्लीट करते हैं इंडिया में, जैसे आपका एयरपोर्ट वाले जो फ्लाइट वाले आपका डिटेल्स कलेक्ट करते हैं, देन आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो इमिग्रेशन प्रोसेस का काम ये है कि उनको ये वेरीफाई करना है कि आपके पास वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं कि नहीं आप दूसरे देश में जाने के लिए. इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअली आपका चेक करेंगे कि आपका पासपोर्ट प्रॉपरली वैलिड है कि नहीं है. एट द सेम टाइम यू नो आपका पूरा फोटो का स्कैन किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है कि ये फोटो किसी और सस्पेक्टेड लोगों से मैच तो नहीं हो रहा है. एंड ऑल्सो दे विल चेक वेदर यू हैव अ रिटर्न टिकट ऑफ टू कमिंग बैक इंडिया, बिकॉज इट्स अ वीज़ा ऑन अराइवल. सो दे वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ मनी, यू नो आपने टिकट पहले से बुक कर लिया, देन ऑनली दे विल अलाउ यू. सो यू शुड ऑलवेज हैव अ रिटर्न टिकट. जस्ट लाइक मैंने जितनी भी डिटेल्स थी, मतलब मैंने पूरे एक जगह पर डॉक्यूमेंट कर ली थी, लाइक हमारा फ्लाइट टिकट, हमारी होटल्स के टिकट्स, होटल्स के टिकट्स एंड हमारी रिटर्न बैक की टिकट, ऑल इन वन प्लेस. सो दैट व्हेन जब वो बंदा पूछता है तो आप बड़ी आसानी से खुद हैंड ओवर करके आप दिखा सकते हैं. सो ये तो आपका इसके थ्रू आप जो है इमिग्रेशन से पास हो जाते हैं. उसके बाद जैसे ही आप थाईलैंड पहुँचेंगे तो वहाँ पे आप जैसे आप
जैसे ही आपकी एयरलाइंस वाले अनाउंस करेंगे कि आप थाईलैंड में पहुंच चुके हैं, टाइम ऐसा ऐसा है, सो दे विल गिव यू वन स्मॉल डॉक्यूमेंट. सो एक्चुअली वो क्या होता है, एक वो इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट होता है. सो दैट यू हैव टू फिल द डेटा एंड यू हैव, वंस इट इज गेट स्टैम्प्ड, यू हैव टू कीप इट अंटिल यू लीव द थाईलैंड. सो यू कैन सी राइट, दिस विल बी लिटिल बिट बिगर डॉक्यूमेंट लाइक दिस एंड यू हैव टू गिव ऑल योर पासपोर्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस वड्रेस एंड ऑल पासपोर्ट डिटेल्स, और आधा जो होता है इस डॉक्यूमेंट का दे विल कीप and you have to keep it with you until you leave the Thailand. Because what happens is when we went to our hotel, right, that hotel guy asked us, please give your immigration document also. Because it's a visa on arrival, right, you don't have a document, nahi hota. Actually, there is a just a simple stamp, will be the stamp in the your passport. So, ek tarike se ye bhi document hota hai aapka immigration. So, next thing which will come on the application form on visa on arrival, maine uska pic click kar diya hai so that I'll share with you all. So, इसमें है जैसे नाम, नेशनलिटी, वो तो सर कॉमन है, बट तो एक्चुअली क्या है, जैसे आप पहुंचते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा वहाँ पे, फिर एक क्यू रहेगा वहाँ पे, आपको एक फॉर्म कलेक्ट करना पड़ेगा, उस फॉर्म में यू हैव टू पेस्ट योर फोटो एंड वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स दे आर आस्किंग. So yeah, I'll just going to paste this image on here as well, so you can take a screenshot or you just note it down, because this is a really very important thing. Application form for visa on arrival, first of all there is 4x6 cm pic and your name, your nationality, passport on arrival document number, date and place of issue, date of birth, expiry date, flight number, your occupation as well they'll ask. And permanent address means if you are staying in Bangalore then you can put it there, or passport address. But I will recommend that whatever is written in the passport, so that you don't know guys, because if they will ask the proof of that address then what you will do. So always have whatever the data you are giving them, make sure you have a proof of it. So just being a safer side. And address in Thailand, that is your where you are staying. So if you landed in Phuket, then you put it the Phuket address, and name and address of persons of reference in Thailand. So here we have put our hotel address again. Yahan likha hai noticed, visa fees is 2000 baht per person. Thai currency only, non-refundable. So agar shayad agar ek agar aap visa bill ke baad travel kar rahe hain, to make sure ki आप जितने भी लोग ट्रेवल कर रहे हैं इनटू 2000 थाई बाट आपके पास कैश होना चाहिए. डोंट एक्सपेक्ट कि पीपल विल बी देयर टू यू नो आपका कार्ड स्वाइप कर लेंगे, ऐसा है. हाँ, दूसरा चीज़ है कि थाईलैंड में कार्ड्स आर स्टिल नॉट दैट मच अवेलेबल. मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर देयर, इवन द बिग रेस्टोरेंट दे एक्सेप्ट ओनली कैश. सीरियसली, एट द सेम टाइम अगर आप कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपसे दे विल चार्ज 5% एक्स्ट्रा फॉर दैट. So that is a bit weird. Yes. But at the same time, cash is everywhere here. So okay. So now the final thing which we will be going to share is our, what was our experience with the visa on arrival. So actually क्या हुआ कि इंडिया से तो बड़ा, एक्चुअली क्या हुआ कि इंडिया से तो बहुत आसान है. मतलब आप, हम लोग गोवा की फ्लाइट से गए, midnight 2 AM की फ्लाइट थी, we reached here 7 AM in the morning. Okay, but यहाँ पे problem क्या होता है कि आई एम नॉट श्योर, क्योंकि या तो ये फ्री वीज़ा फ्री थी या फिर देर आर लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम इंडिया. तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि देर आर 400 पीपल फ्रॉम इंडिया एंड दे वर नॉट एबल टू हैंडल, देर वॉज अ क्यू फॉर ऑलमोस्ट यू नो 400 पीपल इन द क्यू. तो एक्चुअली क्या, हम लोगों ने क्या देखा, जैसे हम लोग गए तो 400 लोग ऑलरेडी क्यू में है और वहाँ पे विल स्टार्टेड देम फ्रॉम द फर्स्ट थिंग लाइक वंस वी एंटर वी देयर इज नो इन्फॉर्मेशन कि हम लोगों को वीजा ऑन अराइवल के लिए कहाँ खड़े होना है. और फर्स्ट थिंग जैसे हम लोग इंटर किए, मैं आधे घंटे 40 मिनट्स आई थिंक एक क्यू में खड़ी हूँ, पर वहाँ जाके पता चला कि वो वीजा ऑन अराइवल नहीं है, वो कुछ पैसे ले रहे थे उसके लिए, पता नहीं क्या बोलते उसको, एडवांस वीजा ऑन अराइवल कुछ तो था, आई डोंट नो. सो वहाँ से हम लोग फास्ट ट्रैक एंट्री थी, या फास्ट ट्रैक एंट्री, यस यस करेक्ट. सो देन हम लोग को एक और दिखा, हम लोग को क्यू, वो तो ऐसा था कि मतलब आपको एंड कहाँ हो रहा है दिख ही नहीं रहा, मतलब फ्री का जो होता है ऐसा हम लोग पहुँच गए ऐसा फील हो रहा था. बट इट वॉज क्वाइट फास्ट, मतलब 400 लोगों का उन्होंने क्या किया कि दे, आपने जो डॉक्यूमेंट फिल किया है अपने पासपोर्ट के साथ, दे विल टेक योर पासपोर्ट विद द डॉक्यूमेंट एंड दे विल कीप इट. और 400 लोगों का पासपोर्ट उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया, वो आपको देने नहीं, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि that thing I really didn't like, उसके बाद 50-50 के लॉट में दे आर गिविंग पासपोर्ट टू द पीपल. अब कौन से बंदूक दे रहे हैं, वो उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो मतलब पीपल लाइक अस.
उसके बाद वी यू नो वी आर सो मच ग्रेटफुल दैट वी बिलोंग टू कंट्री लाइक इंडिया वेयर यू नो पीपल टेक ओनरशिप सीरियसली कि उन 50-50 लोगों में बंदों ने ओनरशिप जो ट्रैवलर थे वो आपका नाम अनाउंस कर रहे हैं कि प्लीज ये है अब मुझे वन मोर थिंग आई जस्ट वांट अ बिग डाउट हियर इफ माय नेम इज देवना सिंह एंड इधर टू थ्री पर्संस आर ऑलरेडी देयर हुज नेम इज देवना सिंह व्हाट वी आर गोइंग टू डू आई डोंट नो लाइक वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा और आपकी पता है बात भी नहीं सुनेंगे क्योंकि ऐसा इतना क्राउड था आप जहाँ तक देखोगे और यहाँ एक बंदा आपको अनाउंस कर रहा है नाम देवना सिंह आप वहाँ हो आप अगर बोल भी रहे हो यस आई एम हियर तो वहाँ से पूरा आने में तो आप समझ रहे हो मतलब मैं एक वीडियो भी ली हूँ तो आपके लिए वो बेटर हो जाएगा टोटली क्राउडेड बट एट द सेम टाइम आई रियली यू नो वी आर वेरी ग्रेटफुल दैट there are some people are there out of 400 who taken the ownership yes, and yes. they make sure ki bhai sabko mil rahe they are shouting each and person's name yes. and some we successfully got our we are the last one which we got actually hum log sabse zyada last mein khade hain tab hum log ko jaake dono ko saath mein mila it is not that much bad but yeah it could have been improved but yes, at the same yes. time there is no damage done so it is good so just I want to share with you all like mujhe ye laga ye share karna chahiye kyunki aap ye prepared rahega mentally prepared rahega aur aapko please caution rehna padega each and every time kyunki kuch bhi ho sakta hai you are an international and passport is the only thing passport is the only document which says that you are an Indian otherwise you could be an immigrant and they will put you in the jail yes so what we did you know like hum aap agar ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो वो बेटर है क्योंकि आप एक 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 झुंड में बोलते हैं कि ग्रुप में आप खड़े हो सकते हैं क्योंकि तीन ग्रुप थे तीन से चार ग्रुप हो गए थे तो मैं इस साइड संभाल रही थी और एक विपिन उस साइड थे तो जिसका भी नाम अनाउंस होता था तो ऐसा हम लोग कर रहे थे तो देट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ अस जस्ट बी प्रिपेयर्ड दैट वीज़ा ऑन अराइवल विल बी नॉट दैट विल नॉट बी अ केक वॉक आपको थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्की करना पड़ेगा वो सारी चीज़ें और फिर आफ्टर दैट आफ्टर वीज़ा ऑन अराइवल प्रोसेस वॉज डन लाइक हम लोग का जो लगेज होता है फर्स्ट टाइम दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम विच हैपन टू अस लाइक वो जो होता है ना एयरपोर्ट में कन्वेयर बेल्ट जो होते हैं तो yes, हम yes. लोग जब तक पहुंचे तो ऑलरेडी आई गेस फ्लाइट के दो घंटे बाद क्योंकि पूरा अभी पासपोर्ट मिलने में हमको दो घंटे लग गए वीज़ा ऑन अराइवल का तो हमारा जो लगेज था वो मतलब लगेज हमारा जो बैग था वो कन्वेयर बेल्ट के नीचे पड़ा हुआ था yes. so, हम लोग को लगा अरे यार हमारी जगह पे कोई हमारा बैग उठा के ले जाता तो भाई हमारे तो हम लोग का तो मतलब हर सारी चीजें अपन कुछ ट्रेवल कर नहीं सकते हैं कैरी ऑन में सब कुछ अपना उसमें था मतलब ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होगी सो मेक श्योर यू शुड यू ऑलवेज हैव अ ट्रैवल इंश्योरेंस क्योंकि ट्रैवल्स आर लाइक दैट आप इंटरनेशनल ट्रैवल में मतलब सब कुछ यू कांट टेक रिस्क तो बकायदा इंश्योरेंस में हम लोग हमने भी अपना किसे रॉयल सुंदरम से इंश्योरेंस कराया था सो लकी कोई अनहोनी कोई दुर्घटना नहीं घटी We are totally blessed. So for that, I just filmed an informative video for all of us. I hope this small video will be helpful if you are traveling Thailand. And it's a really very nice country. Do visit it. We'll highly recommend it. And this is the season where he came. So many foreigners, so many Indians crowd are there. So this is really nice. Thank you for watching this video. And yeah, guys, if you haven't subscribed, then please go ahead and subscribe to our channel. That means really, that means world to us. और मेरे बहुत सारे थाईलैंड के व्लॉग आ रहे हैं प्लीज़ उसे भी वॉच करिएगा आई सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय